पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां मुरादाबाद पुलिस ने एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि बंद पड़े आईटीआई कॉलेज में अवैध तमंचे बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। चुनाव से पहले अवैध तमंचों की सप्लाई करनी थी, जिसके लिए दिन रात अवैध तमंचों को बनाने का काम किया जा रहा था। अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का मुंडा पांडे पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है, जिसमें 14 तमंचों के साथ 25 नाल 9 कारतूस सहित पुलिस ने अवैध तमंचे बनाने का सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने एक युवक उस्मान को भी अरेस्ट कर लिया है, जो जनपद संभल का हिस्ट्री शीटर है। आरोपी उस्मान पर अलग अलग जनपदों में लगभग 45 मुकदमे दर्ज हैं। मुरादाबाद के मुंडा पांडे क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इसी संबंध में आज अखिलेश भदौरिया एसपीसी की मुरादाबाद में प्रेस वार्ता करते हुए मामले का खुलासा कर दिया। लोकसभा चुनाव को लेके जो पुलिस की कार्यवाही निरंतर हम लोग कर रहे हैं, इसमें पिछले दिनों आपने देखा था कि शराब की तमाम भट्टियाँ उन पर कार्रवाई की, शराब NDPS और जो अवैध शस्त्र हैं उन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए और चुनाव की हमारी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस निरंतर प्रयासरत सतर्क है। इसी क्रम में आज मुंडा पांडे थाना पुलिस को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम उस्मान पुत्र छोटा है, ये जो बनिया ठेर थाना का रहने वाला है, उसकी इसमें गिरफ्तारी हुई है। ये व्यक्ति थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में जो सरकड़ा खाँव से सरकड़ा खास गांव है, वहाँ से खैर खाता की ओर जो रास्ता जाता है, इसमें ITI की पुराना बंद परिसर है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, सुनसान एरिया है, वहाँ पर इसके द्वारा अवैध रूप से तमंचों का निर्माण किया जा रहा था। इसके लिए इसमें जो आवश्यक प्रबंध नंबर किए थे, जो असला बनाने के लिए जो संसाधन जो काफी की जरूरत होती है सामान की, और वहाँ सब इसके इकट्ठे किए हुए थे इसने, और वहाँ पर ये निर्माण कर रहा था इनका, और इनका प्रयोग निश्चित रूप से लोगों को बेचे जाते हैं और इनका अपराध की दृष्टि इसका यूज़ किया जाता है। इसमें गिरफ्तारी के पश्चात ये बड़ी संख्या में जो अस्त्र बरामद हुए हैं, जिसमें लगभग बने और अधबने मिला के कुल 14 तमंचे हैं, जो कुछ 12 बोर के और 315 बोर के हैं, जिसमें 10 तमंचे 12 बोर के हैं जो पूरी तरह बने हुए हैं, एक अधबना तमंचा और है 12 बोर का, इसी प्रकार 2 बने हुए तमंचे 315 बोर के हैं और एक अधबना तमंचा 315 बोर का ही। इसके अलावा कब्जे से कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं, जो ये अपने ग्राहकों को इन्हीं अवैध तमंचों के साथ साथ बेचते थे। इस व्यक्ति के बारे में जानकारी की गई, इसका बहुत ही लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, और इस पूर्व में ये आम से के अलावा गैंगस्टर अधिनियम और लूट इत्यादि के मुकदमों में भी जेल जा चुका है। इस पर लगभग 44 मुकदमे हैं जो जनपद संभल से संबंधित हैं और अन्य थानों से भी संबंधित हैं। इससे पूरी मझोला से भी आम से कार्रवाई भी किया जा चुका है। इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इस जो बरामदगी बड़ी संख्या में भारी बरामदगी हुई है, इससे हमारी चुनावी प्रक्रिया है वो इससे स्वच्छता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। सर है कि यही आरोपी था जो ये काम कर रहा था कि वो जी हाँ, अभी मौके पर यही व्यक्ति मिला है जिसके द्वारा निर्माण किया जा रहा था, बाकी इसके ग्रुप में इसकी सप्लाई चेन होगी, इसमें लोग आगे तक बेचते होंगे, संपर्क करते होंगे, उनके बारे में अभी बहुत विस्तार से हम जानकारी कर रहे हैं, और जो लोग भी इस ग्रुप में इससे जुड़े हुए हैं उनके ग्रुप भी कर रहे हैं। सर ये मांग के अनुसार बनाते थे ऑर्डर पे, और कितने कितने में ये बेचते थे क्या इनको? अभी इससे पूछताछ की जा रही है, ये अलग अलग ग्राहकों के हिसाब से बेचते थे उसको, और हम उनको कि 12 बोर और 315 बोर के तमंचों की डिमांड उसी को लेकर इसके द्वारा निर्माण कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।